राज क्विजीन से मैं अमिता जोशी। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही सुपर ट्विस्टेड रेसिपी यूजिंग द सिंपलेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट आलू। उसका नाम है नवाबी स्मोकी आलू। ये एक 10 से 12 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। इसको आप रोटी, पूरी, पराठा, कुलचा, ब्रेड, राइस किसी के भी साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं और ऐसी ही बहुत सारी डिलीशियस रेसिपी लेकर हम आएंगे आपके पास। बट उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज हम क्या नया लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं नवाबी स्मोकी आलू के इंग्रेडिएंट्स। आलू है तो हमने सबसे पहले लिए हैं आलू। यहाँ पर आपको आलू को बॉईल करना है, पील करना है और फिर बड़े बड़े क्यूब कट हमने इसके कर दिए हैं। प्याज क्यूब कट, टमाटर क्यूब कट, कैप्सिकम क्यूब कट, दही बीटन, एकदम फ्रेश बीट किया हुआ दही लेना है। मसालों में हमने लिया है नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, तेल, गरम मसाला या किचन किंग मसाला, पीसी हुई हरी मिर्च, पीसा हुआ अदरक, पीसी हुई लहसुन, चुटकी भर हींग, जीरा, धनिया जीरा पाउडर, सौंफ और कसूरी मेथी। तो चलिए आलू में मसाला करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप जितना आलू, आधे से पौना कप दही। यहाँ पर हम आलू को सब्जियों के साथ और मसालों के साथ मैरिनेट कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/4 टीस्पून जितना, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, पीसी हुई हरी मिर्च 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून जितना लहसुन का पेस्ट, चुटकी भर हींग, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून जितना, सौंफ 1/2 टीस्पून जितना और कसूरी मेथी 1 टीस्पून जितना। बस यहाँ पर हमने डाला तेल और अच्छे से इसे हम कंबाइन कर देंगे। अब हम मिलाएंगे 1/2 कप प्याज क्यूब कट, 1/2 कप टमाटर क्यूब कट, 1/2 कप कैप्सिकम क्यूब कट और इन सब को अच्छे से हम मिला देते हैं। अब हम ढककर 1/2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। हमारा ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए आपके घर में जो भी छन्नी है उस पे आप तेल लगाकर इसको इस तरह गैस पर स्मोकी फ्लेवर्स दे सकते हैं। ये हम 10 से 12 मिनट के लिए इसके ऊपर स्मोक देंगे। तो चलिए अब हम हमारे आलू का तड़का लगाते हैं। हमने तेल गरम किया 2 टेबलस्पून, उसमें डाला जीरा। जीरा अच्छे से भून जाए फिर आपको डालनी है 1 चम्मच वरियाली, सौंफ जिसे कहते हैं, साबुत लाल मिर्च और चुटकी भर हींग। देखिए हमारा स्मोकी आलू बहुत ही अच्छे फ्लेवर बाहर आने लगी है। अब हम फ्लेम बंद करके ये इसमें कंबाइन कर देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इस तरह से पूरा उसको स्मोकी इफेक्ट दिया है। अब इसे हल्के हाथों से मिला देते हैं। तो देखिए तैयार है हमारे आलू, नवाबी स्मोकी आलू। चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग।